हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज 15 अगस्त 2018 है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मॉर्निंग में मैंने आप सभी को एक लाइव वीडियो दिया था अपने विद्यालय से बच्चों के साथ में स्वतंत्रता दिवस के लिए, ठीक है। तो अब चूँकि बात करते हैं मुद्दे की, एक हमारा अहम मुद्दा जो समय चल रहा है वो है 68,500 शिक्षक भर्ती। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके लिए रिज़ल्ट आपका घोषित किया जा चुका है और उस रिज़ल्ट में जो है तकरीबन 41,000 जो है लोग पास हुए हैं, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है, जब लोग पास हो गए तो अब ये चाह रहे होंगे कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी जो है वो प्रारंभ की जाए। तो यहाँ पर जो न्यूज़ आपके लिए आज मैं लाया हूँ वो ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग और जो NIC के अफसर हैं उनके बीच में बैठक हुई है, ठीक है। ये बैठक जिस दिन रिजल्ट आया है उसी दिन की बात है, बैठक हुई है, ठीक है। और बैठक में 68,500 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ लेके जो है वो चर्चा करने की बात कही गई है। अभी तक जो खबरें ये पता चल रही हैं वो ये पता चल रही हैं कि विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर। मैं यहाँ पर कोई फिक्स डेट आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे एक सप्ताह का टाइम ले रहा हूँ कि एक सप्ताह के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो भी रिजल्ट आए, सभी को पता है ये 40 और 45 के जो कट ऑफ जो पासिंग मार्क है, सॉरी पासिंग परसेंटेज है, उसके आधार पर जो है आया है। और जाहिर सी बात, इसमें 30 और 33 वाले की कैलकुलेशन नहीं की गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, काफ़ी सीटें खाली रह रही हैं। तो यहाँ पर अब बात ये आती है, जब सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी तो क्या ये भर्ती जल्दी पूरी कराई जा सकती है? इस बात का क्या जवाब है? तो इसका आंसर नहीं। अगर सरकार 30 और 33 वालों के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा काम है, मैं सच कहता हूं, चाहे वो कड़वा हो या वो मीठा हो, और सच कहना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सरकार 30 और 33 वाले के पक्ष में पुनर्विचार याचिका दाखिल करती है तो यह भर्ती जो है वो अक्टूबर तक संभव नहीं है पूरी हो पाना। और अगर वो पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करती है तो यह भर्ती अधिकतम जो है वो सितंबर के लास्ट में, अधिकतम तो 15 सितंबर के तक ही जो आपको ज्वाइनिंग कराई जा सकती है जितने भी लोग पास हैं, ठीक है। अब सरकार ने दो रास्ते बता दिए हैं 30 और 33 वालों के लिए, या तो वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी या जितने भी पद बचे हैं इनको अगली भर्ती में क्या कर देगी, ऐड कर देगी और जल्दी से एक UPTT 6 नवंबर करा रही है और जो अगला जो सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा है वो 10 फरवरी को कराने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। तो ये खबर थी आज 15 अगस्त पर आप सभी लोगों के लिए। उसके लिए बता दूं, इस भर्ती में जिला वरीयता नाम का जो जिन है वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आपसे 75 जिलों की चॉइस मांगी जा रही है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और 75 जिलों की चॉइस मांगी जाएगी तो जाहिर सी बात है जितनी भी लोग पास हैं उनका एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर सलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये भी आ रही है, जैसे कि मैंने पहले आपको हमेशा मैं आगाह करता रहता हूँ कि जब जब भर्ती पर कोई संकट आने वाला होता है, रिजल्ट आने के बाद फिर एक संकट जो दोबारा उभर कर आ रहा है वो आ रहा है जिला वरीयता का केस। उच्च कोटि के बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी हैं जो अब इस भर्ती पर केस करने वाले हैं कि 75 जिलों की चॉइस हर स्टूडेंट से क्यों मांगी जा रही है, वो सिर्फ केवल अपने ही जिले में जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं, जिला वरीयता को ध्यान में रखते हुए फिर से एक केस इस भर्ती पर पढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। वो केस होता है कि नहीं ये बात पता चलेगी भविष्य में, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली वो मैंने आपको बता दी कि जिला वरीयता का केस अब इस भर्ती पर फिर से लगने वाला है, जबकि इस भर्ती के जो में ऑलरेडी ही जिला वरीयता को ख़त्म कर दिया गया है। फिलहाल मैं बता दूं, इस जिला वरीयता के केस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ चंदा लिया जाएगा, चंदा चोरी होगी, बाकी सब आप लोग जानते हो कि किस तरीके से क्या चीज़ें जो है वो सेटल की जाती हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी किसी नए समस्या को लेकर, आपके एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना और लाइक तो करना ही करना, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।